नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। बॉलीवुड वर्सेस साउथ की जब भी बात होती है तो हमेशा जीत साउथ की होती है। अब बॉलीवुड का दबदबा कम होता जा रहा है और साउथ की फिल्में कमाल पर कमाल की जा रही है, इसलिए तो अब लोग ज्यादा साउथ की फिल्मों को पसंद कर रहे हैं। इसी बीच साउथ ने अब एक बार फिर से साबित कर दिया है कि साउथ का क्या भौकाल है। साउथ की एक 12 करोड़ की बजट में बनी फिल्म ने केवल 17 दिनों में 125 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। ऐसे तो बॉलीवुड के स्टार्स का भौकाल हर तरफ देखने को मिलता है। शाहरुख खान, सलमान खान, इनको लोग देश के बाहर भी देखना पसंद करते हैं, लेकिन इसके बावजूद इनकी फिल्में भी फ्लॉप साबित हो रही है या विरोध का ही शिकार हो रही है। शाहरुख की पठान का विरोध देख लीजिए, सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान भी अच्छी कमाई नहीं कर पा रही है। लेकिन साउथ का अलग दबदबा चल रहा है, जहां साउथ की फिल्म ने अपना नया रिकॉर्ड बना लिया है। मलयालम फिल्म का नाम है 2018, जो कि केरल में 2018 में आई बाढ़ पर आधारित है। खास बात तो ये है कि ब्लॉकबस्टर फिल्म सिर्फ एक भाषा यानी मलयालम में रिलीज हुई है और इसने अपनी भाषा में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का रिकॉर्ड बना डाला है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस मूवी को केवल 12 करोड़ के बजट में बनाया गया है और इसने केवल 11 दिनों में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था। फ्राइडे मेटानी ने एक ट्वीट किया है जिसमें जानकारी दी गई है कि ये मलयालम की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। ट्वीट में लिखा गया है, 2018 मूवी पहली मलयालम मूवी है जिसने 125 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर लिया है। ये कमाई दुनिया भर में है और सिर्फ मलयालम वर्जन से ही कमाई की गई है। टॉप 3 फिल्में हैं 2018 मूवी 125 करोड़ रुपए से ज्यादा कलेक्शन, पुली मुर्गन 124.35 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था, लूसिफर 123.35 करोड़ रुपए कमाए थे। बात करें इस मूवी की तो ब्लॉकबस्टर मूवी 2018 में टोविनो थॉम्स, कुंचांको बोबन, आसिफ अली, विनीत श्रीनिवास, अपर्णा बालमुरली और तन्वी लीड रोल में है। इसे काव्य फिल्म कंपनी और पीके प्राइम प्रोडक्शन के बैनर तले वेणु कुन्ना पिपली, सी के पद्म कुमार और एंटी जोसेफ ने प्रोड्यूस किया है। अब आपको 2018 के बाढ़ के बारे में भी बता देते हैं। साल 2018 में केरल में भयानक और सदी की सबसे भीषण बाढ़ आई थी, जिसमें 350 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इसके अलावा 3 लाख के करीब लोग बेघर हो गए थे। राज्य सरकार के आंकड़ों के मुताबिक केरल की भीषण बाढ़ की वजह से राज्य की 1/3 जनसंख्या सीधे तौर पर प्रभावित हुई थी और इसी घटना पर यह मूवी बनी है। फिलहाल इसकी कमाई पर, इस खबर पर आप क्या कहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।